राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन के महीने में हर जगह आपको हर हर शंभु की आपको जयकारे सुनने को मिल जाएंगे। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव के लिए समर्पित होता है और उस महीने में सभी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपना मन वांछित वरदान पाते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो भगवान शिव अपने भक्तों की अवश्य पूर्ण करती हैं। तो आज ही हम इस वीडियो में बताएंगे कि देखिए, आपने भगवान शिव का मंदिर देखा होगा। भगवान शिव के मंदिर में आपने गर्भगृह में कभी भी आपने नंदी को स्थापित नहीं देखा होगा। नंदी भगवान आपको हमेशा गर्भगृह के बाहर अपने प्रभु के सम्मुख बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। आखिर इसका रीजन क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी हम जानेंगे कि क्यों भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है और नंदी का क्या महत्व है, क्यों नंदी को इतना महत्व दिया जाता है भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ और वो गर्भगृह के बाहर क्यों बैठी रहती है। तो प्यारे मित्रों, देखिए, भगवान शिव के आपको अनेकों मंदिर देखने को मिल जाएंगे और हर मंदिर में आपको नंदी महाराज बाहर विराजमान देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, शिव मंदिर के बाहर ही नंदी जी क्यों स्थापित किए जाते हैं, वो गर्भगृह में भगवान शिव के साथ क्यों मौजूद नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए, एक मैं आपको इसके बारे में पौराणिक कथा बताती हूँ। तो देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद। शिलाद मुनि महान तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक बार उनके पितरों ने उनके समक्ष सपने में शिलाद मुनि के पुत्र को देखने की कामना जताई, जिसके बाद शिलाद मुनि ने इंद्रदेव की तपस्या कर उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जो जन्म और मृत्यु के परे हो। तो इस पर इंद्रदेव ने क्या कहा, इंद्रदेव ने इस इच्छा पूर्ति के लिए शिलाद मुनि को भगवान शिव की तपस्या करने का सुझाव दिया। शिलाद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और शिलाद मुनि को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त हुआ कि शीघ्र ही महादेव उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। हुआ भी ऐसा ही, भगवान शिव के अंश के रूप में नंदी जन्मे। भगवान शिव के अंश होने के कारण नंदी न सिर्फ अजर अमर थे बल्कि वह निर्विक भी थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त भी। भक्ति के सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने नंदी जी को संपूर्ण गणों का अधिपति बनाया, जिसके बाद नंदी नंदेश्वर कहलाई। इस क्षण के कुछ समय बाद ही नंदी का विवाह हुआ। मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंद ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। भगवान शिव ने नंदी को विवाह के उपलक्ष्य में भेंट स्वरूप यह वरदान दिया कि जहाँ भी नंदी होंगे वहाँ भगवान शिव होंगे और जहाँ भगवान शिव का निवास होगा वहाँ नंदी भी निवास करेंगे। इसी कारण से नंदी हर शिवालय के बाहर स्थापित हैं और वो शिव के साथ पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी लोग पूजा अर्चना करते हैं शिव जी की, वो नंदी महाराज की भी पूजा करते हैं, बल्कि भगवान शिव से ना मांगकर वो नंदी महाराज के कान में अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त करते हैं कि हे नंदी महाराज, ये हमारी इच्छा है और ये इच्छा आप हमारे प्रभु से पूरी करवाइए। भक्तों को नंदी के कान में अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए आपने ये अवश्य देखा होगा। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ पर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ के जो दफ्तर का या किसी कार्यालय के जो नौकर होते हैं या फिर चपरासी होते हैं, उनसे हम अपनी जुगाड़ पानी करवाते हैं कि कैसे भी करके जो अंदर बैठे हुए हैं जो बॉस हैं उनसे हमारा काम करवा दो, जो अधिकारी उनसे हमारा काम करवा दो, और हम हर तरीके से मिन्नतें करते हैं वहाँ पर। और जो चपरासी होता है और जो अधिकारी के अंडर होता है वो जाकर क्या करते हैं, हमारे स्पेशल तरीके से कहते हैं कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्तिगण है ये काम करवाना चाहता है। तो इसी प्रकार जो हमारे नंदी महाराज हैं वो भगवान जो शिव के प्रिय हैं और जो नंदी महाराज भगवान शिव से कहेंगे शिव भगवान उसे टाल नहीं सकते, अवश्य ही वो उसको पूरा करेंगे। तो इसी तरीके से जो नंदी महाराज उनका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत घोर तपस्या करके उनको ये जगह मिली है, भगवान शिव के चरणों में ये जगह मिली है कि भगवान शिव के साथ उनको पूजा जाता है। यदि आप नंदी महाराज की पूजा अर्चना नहीं करोगे तो शिव की पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब ये सवाल आता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर या गर्भगृह के बाहर ही क्यों बिराजते हैं। तो इसका देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है, नंदी अपने इष्ट को हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहती है। जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चों
को अपने आंखों के सामने देखना चाहती है। अपना जो भी परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो प्रियजन होते हैं, उनको वो हमेशा अपने आंखों के सामने देखना चाहती है। वैसे ही नंदी महाराज अपने आराध्य को, अपने प्रभु को अपने नेत्रों के सामने रखना चाहते हैं और वहां बैठे बैठे वो दिन रात हर क्षण भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। इसी कारण वो जो नंदी महाराज है वो गर्भगृह के बाहर विराजमान रहते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आखिर नंदी महाराज को क्यों पूजा जाता है और ऐसी क्या तपस्या उन्होंने की, ऐसी क्या आराधना उन्होंने की कि भगवान शिव के साथ उनकी पूजा अर्चना होती है और वो हमेशा भगवान शिव के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद जरूर आई होगी। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।